कोकोनट मैक्रून। हाय, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूँ शीतल। आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट मैक्रून। कोकोनट मैक्रून्स बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। एक कप कैस्टर शुगर, एक कप कसा हुआ सूखा नारियल, 50 ml अंडे का सफ़ेद। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन को गर्म कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे कैस्टर शुगर और डेसिकेटेड कोकोनट और इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी हम इसमें डालेंगे अंडे का सफ़ेद और इसे भी मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए, इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि ये मिक्सर नीचे से जले ना और ये जो अंडे का सफ़ेद है वो पके ना। ये देखिए इस तरह। इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कोकोनट की अच्छी खुशबू आ जाए। अभी मैंने एक पाइपिंग बैग में नोज़ल फिट कर लिया है। अभी इस मिक्सर को हम इस पाइपिंग बैग में डालेंगे और इस पाइपिंग बैग को सील कर लेंगे। अभी हम इस मिक्सर को बेकिंग ट्रे में इस तरह से पाइप करेंगे। ये देखिए, कभी भी ध्यान रखिए, आप कुकीज़ अगर पाइप कर रहे हो तो आप इस तरह से पाइप करें, मतलब क्रिस क्रॉस, ताकि बेकिंग में आसानी हो जाती है और इवनली सब कुकीज़ बेक हो जाती है। ये देखिए, ये पाइपिंग हो चुका है। मैंने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रीहीट किया है। अभी हम इस कुकीज़ को 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। ये देखिए, कोकोनट मैक्रून्स बेक हो चुके हैं। अभी हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। कोकोनट मैक्रून्स रेडी हो चुके हैं। इसे आप ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो या फिर ठंडा होने के बाद चाय के साथ सर्व कर सकते हो।